प्रभो से मराणी आरिहता हरिहत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का पान कर रहे हैं प्रभु की साधना प्रभु का ज्ञान प्रभु की मैत्री करुणा पर विश्व को दिया गया संदेश हमारे लिए अस्मरणीय है हम हम भी अंधकार से प्रकाश की ओर संसार सागर से पार हो सकते हैं प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं प्रभु की वाणी प्रभु की साधना प्रभु का ज्ञान प्रभु की मैत्री आज भी पूरे विश्व में विख्यात है तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रावक धर्म के बारह व्रतों के बाद सल्यखना सल जीवन का अंतिम निचोड़ है जैसे बीज से पौधा होगा पौधा से पत्ते आए शाखाएं आए फल आए फूल आए और फल और फूल बीज का निचोड़ है बीज बोया वृक्ष भी बना उसमें फूल ही नहीं आए फल नहीं आए तो उसका क्या फायदा आप अपने जीवन में देखो कि जीवन में आपने आप तक क्या किया क्या महत्वपूर्ण कार्य किया धन कमाया परिवार बड़ा किया बिजनेस किया व्यक्तित्व का विकास हो गया जो आपकी मन की इच्छा थी पूरी हो गई पर क्या आप तृप्त हैं आनंदित हैं सुखी हैं शांत हैं बोलो कहीं ना कहीं रिक्तता हो रही है कि जो कुछ पाना था वो नहीं पाया धन से शांति नहीं मिल सकती ये मन इतना चंचल है मन इतना घुमाता है कि जो आ जाता है और और, और की इच्छा रहती है पहले जमाने में व्यक्ति पैदल चलते थे खेती बाड़ी पैदल जाते थे कहीं जाना होता दस मील तीस मील पैदल चले जाते थे स्वस्थ थे सादा खाना था शादी गांव में होती थी गांव के लोग मिलकर के शादी कर लेते थे कि मेरे गांव की बेटी की शादी है कितना सीधा जीवन तुम्हारे देखते देखते देखो कितना जीवन बन गया उसके बाद एक साइकिल आ गई साइकिल से लोग तृप्त हो गए साइकिल आई, उसके बाद स्कूटर आ गया फिर अच्छा स्कूटर आ गया फिर मारुति गाड़ी आ गई एम्बेसडर आ गई पहले शुरू शुरू में हमारी थी एम्बेस्टर गाड़ी हमने देखी उस पर कितनी गाड़ियाँ आ गई हर घर में दो दो चार चार गाड़ियाँ क्या आप सुखी हैं मैं पूछता हूँ कोई सुखी है गाड़ी आने के बाद और जो आप चाहते हैं आपको मिल गया कोई कमी नहीं है आपका घर बढ़िया बन गया इतना शानदार बन गया पहले तो कच्चे घर होते थे घर में कच्चे घर होते थे लिपापोती होती, होती थी आंगन में वो गोबर लापा जाता था और लोग खुश थे और कच्चे घर कितने अच्छे होते हैं गर्मी में ठंडे होते हैं और सर्दी में गर्म हो जाते हैं कच्चे घर देखा जब हम अपने घर ननिहाल जाते थे तो कच्चे घर होते थे अंदर ठंडक होती थी और सर्दी में गर्म हो जाते थे प्रकृतिक नेचुरल और बहने चौका चो, बनाती थी गोबर गाय का गोबर गोबर से लिप्त थी शुद्ध होता था और सादा घी होता था घर में गाय भैंस होती थी शुद्ध दूध आज दूध का पता नहीं कितना महंगाई आ गई शुद्ध दूध ही नहीं मिलता शुद्ध कुछ मिलता ही नहीं क्या कितना चेंज आ गया व्यक्ति में फिर व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है चलो जी व्यक्ति की वस्तु की चीजें सुख कहाँ है बोलो सुख कहाँ है कहाँ है बोलो कहाँ है आपने ढूंढा कि मैंने कह दिया या आपने सुन लिया वो कह रहे हो है अंदर ही सुख भीतर ही है बाहर है नहीं पर ये मेरा और आपका अनुभव बन जाए मेरा और आपका अनुभव बन जाए अच्छा है आपने सुख ढूंढ लिया अंदर है तो अंदर सुख है तो फिर बाहर के ढूंढते हो सुख भीतर है तो अंदर ही ढूंढो ना बाहर मिल ही नहीं सकता सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं ये मन और बुद्धि और इंद्रिय हम इतना घुमाती इतना घुमाती हैं कि हम सुख बाहर ढूंढते हैं और सुख नहीं है वो वो सुखा भास है वो सुख इंद्रियों का सुख है मान लिया आपको भूख लगी बहुत भूख तेज की भूख लगी आप अपने मनपसंद के रेस्टोरेंट में चले गए भोजन खा लिया जो आप चाहते थे वो भोजन खा लिया तृप्त तो हो गए तो क्या कहते हैं आप तृप्त तो हो गए भोजन खाया आपके शरीर की भूख मिट गई और जो आपने अपनी इच्छा से भोजन किया वो आपकी रसन इंद्रियों को तृप्ति मिल गई पर सुख कहाँ है डिफ्रेंशिएट की सुख तो उसमें है ही नहीं शरीर को भूख मिट गई जो आपने मनपसंद चीज खाई वो आपको मिल गई पूरे संसार में देखो यदि आप मन नहीं लग रहा आप पिक्चर में चले जाते दोस्तों के साथ चले जाते खेलने चले जाते हैं मनोरंजन में चले जाते हैं गाड़ी चले जाते हैं कहीं चले जाते हैं क्या आप सुखी हो गए चेंज ऑफ माइंड घर बैठे बैठे मन नहीं करता चलो घर बैठे मन नहीं चलो ताशी खेल लो रम्मी खेल लो दोस्तों को बुला लो पिकनिक कर लो ये मन के पीछे लगना और मन धोखे बाज है। मन कभी आपको सुख दे ही नहीं सकता मन के कारण हम दुखी हैं चार गति चौरासी लाख जीवायुनियों में हम जो भ्रमण कर रहे हैं इस देह के कारण सबसे ज़्यादा महत्व हमने अपने देह को दिया देह से मोह किया देह से प्रेम किया देह के साथ शरीर शरीर के साथ मन बुद्धि और इंद्रियां एक जन्म में नहीं हर जन्म में यही किया और हम भटक रहे हैं तो यदि आप सुख चाहते हैं यदि आप भीतर शांति चाहते हो तो क्या करना इस पिंड को पराया मानो भगवान की वाणी ये पिंड आपका है ही नहीं बोलो है जब माँ के गर्भ में आए बाहर निकले बचपन जवानी बुढ़ापा कितना बदल गया शरीर बदल गया बुढ़ापा पाता बदल जाता है खान पान का रस बदल जाता है व्यक्ति बदल जाते हैं वस्तु स्थान बदल जाता है घर में कितने लोग होते हैं सब चले जाते हैं माता पिता दादा पोता सब चले जाते हैं फिर क्या आप अमर रहोगे कोई व्यक्ति अमर रहा है चिंतन करो क्या है जब भगवान ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर आदि तीर्थंकर जिन्होंने मानव सभ्यता का विकास किया जब युगलियों का समय समाप्त हो रहा था उस समय उन्होंने लोगों को सिखाया अस्सी मस्सी ऋषि खेती सिखाई तलवार चलाना सिखाया कृषि की कलम की रीति बताई वो तीर्थंकर हो गए उनको तेरा महीने भोजन नहीं मिला उनको केवल ज्ञान हो गया भट्ट चक्रवर्ती जैसे राजा चक्रवर्ती पद मिला पर उनमें रस नहीं था ऐसे देखो जीवन के और अपने जीवन का मिलान करो कि मुझे सुख कहाँ मिलेगा सुख आनंद हमारा स्वभाव है ब्लिस इज अवर नेचर पीस इज इन साइट नॉलेज वी आर जैन धर्म का सार सूत्र नेचर सुख हमारा स्वभाव है शांति हमारे भीतर है और ज्ञान हम स्वयं हैं जी आया से बिनाया जी बिनाया से आया जो आत्मा ही ज्ञान है ज्ञान ही आत्मा है ज्ञान आत्मा में है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत शक्ति जो भीतर आत्मा पर आत्मा दिखाई नहीं देती नो इंदी गिज्जा मुत भावा आत्मा न मन से ना बुद्धि से ना इंद्रियों से तुम देख नहीं सकते पर उसका अनुभव कर सकते यू कैन एक्सपीरियंस और योर सेल्फ इन डीपर एंड डीपर यू रियलाइज योर सेल्फ तो चिंतन करना चाहिए व्यक्ति को सीखना चाहिए कि जीवन ऐसा बीतता चला जा रहा है नदी के पानी की तरह भगवान कहते हैं कुशज्ञी जाओ बिंदु थोबंग चिट्ठी लंब मानी एवं मनिया कुशा कुशक अगल भाग पर रखा हुआ उसका बिंदु लगता है मोती सुबह सुबह की घास जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं बरसात के दिनों में जब बरसात नहीं होती में बिंदु मोती की तरह लगते हैं जैसी हवा चली जैसे सूरज निकला वो सब खत्म हो जाता ऐसे ही मनुष्य का जीवन है फिर प्रभु कहते हैं समयम गोयम आ हे गौतम परमाद मत करो जीवन के सार को देखो जीवन के सुख देखो कैसे सुख मिल सकता है तो आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे संलेखना सबको संलेखना का भाव आना चाहिए कि मुझे अंतिम समय से लेखना है लेखना कब आएगी क्या आपकी पात्रता है यदि आप सरल हैं निर्मल हैं बक्कर नहीं हैं मायावी नहीं हैं छल छदम द्वेशी नहीं है तो आपके जीवन में एक भाव आता है और बहुत जी कितने वर्ष जीना है जब जुगलियों चले गए तीर्थंकर चले गए चक्रवर्ती चले गए करोड़ों वर्षों की आज भी चली गए नरक के नेरिए की आज भी पूरी हो गई स्वर्ग के देव तेती सागरों पंप की पूरी हो गई मेरी उम्र ही क्या है सौ वर्ष पचासी वर्ष और उसमें इतना तो मैं जी लिया अब जीवन में जो शेष रह गया है उसको मैं सार कैसे करूं? तो अंतिम समय यदि आप चिंतन करते हैं कि मुझे सलेख आए तो जरूर आती एक कवि हुई जी उन्होंने साधु गुणमाला लिखी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, कवि थे श्रावक थे चिंतनशील थे उन्होंने अंतिम भावना रखी क्या भावना रखी कि मुझे अंतिम मुझे सलेखना आ जाए सलेखने का मतलब समाधि मरण आ जाए मैं प्रतिक्रमण करूँ मैं औषध करूँ मैं कुछ भी करूँ मेरे जीवन में सलेखना आ जाए तो फिर भाव रखे उन्होंने कवि थे और उच्च कोटि के भाव थे उनके और उन्होंने अंतिम कहते हैं अंतिम जब वो प्रतिक्रमण कर रहे थे आलोचना कर रहे थे आज उष्क पूरा हो गया जो भाव रखे थे वो पूरा हो गया सलेखना आ गई आप भी अपने मन में रखें अंतिम समय मुझे कोई भयंकर से भयंकर रोग आ जाए आदि व्याधि आ जाए मैं शांत होकर चले जाऊँ रोग तो शरीर पे आएंगे भाई जो कर्म किए भुगतान करना पड़ेगा जब महावीर को तीर्थंकरों को ब्रह्मदात चक्रवर्ती को या संत कुमार चक्रवर्ती को इतना सुंदर रूप था जो देवता भी प्रशंसा करते थे जब देवता दोबारा आए तो देखा वो रूप नहीं दीक्षा ले ली दीक्षा लेने के बाद वो जो रोग था वो सात सौ वर्ष तक रहा और ऐसी शक्ति पैदा हो गई थी कि अपने ही लब लगाए तो ठीक हो जाता है तो देव सामने आए एक ब्राह्मण का देव कि लो मेरे पास दवा है दवा लगा लो आप ठीक हो जाओगे संत कुमार चक्रवर्ती जो साधु बन गए थे उन्होंने कहा ये दवा तो मेरे पास है मेरे कर्म रोग समाप्त कर दो शरीर का रोग नहीं एक शरीर का रोग होता है कर्म का रोग होता है हम किसको समाप्त करना चाहते हैं बोलो सच सच बोलो कर्म रोग नहीं शरीर का रोग पूरा हो जाए मेरा मान लीजिए किसी को रोग आ गया कैंसर आ गया या कोई भयंकर बीमारी आ गई तो हम क्या चाहते हैं ये ठीक हो जाए कितना इलाज पैसा खर्च हो जाए विदेशों में चले शरीर के लोगों को लिए ये नहीं कहते मेरा कर्म रोग ठीक हो जाए अरे कर्म रोग ठीक हो गए शरीर रोग अपने आप ठीक हो गया कर्म है तभी तो रोग आता जीवन के तो सोचो मेरा कर्म रोग ठीक हो जाए संत कुमार चक्रवर्ती जो राजा साधु बन गया था देव ब्राह्मण का रूप बनवा करके आए और कहने लगे लो ये दवा देते हैं आप ठीक हो जाएंगे ये तो मेरे पास भी दवा है उन्होंने क्या किया अपना हाथ लिया और हाथ लेकर के मुंह पे लगाया और यहाँ लगाया कंचन जैसी काया हो गई पर उन्होंने उसको दवा लगाई नहीं ये मेरा कर्म है आएगा जी वैद्य आए वैद्य ने कहा ये दवा तो मेरे पास है मेरा कर्म रोग समाप्त कर लो तो हमें क्या करना चाहिए हमारा सबसे कर्म भयंकर कर्म कौन सा है आठों कर्मों में मौणी कर्म मोह किससे है सबसे ज़्यादा मोह किससे है शरीर से है शरीर के बाद फिर परिवार का नंबर आता है पहले सबसे ज़्यादा शरीर से मोह है फिर परिवार फिर धन संपत्ति फिर मेरे विचार मेरी साधना मैंने ऐसे कहा तुमने ऐसे किया फिर भूत भविष्य में चले जाते हैं संसार में भटकते रहते हैं मोह मेरा मोह कम हो जाए मेरी वासना कम हो जाए जितना मोह बढ़ेगा उतना व्यक्ति दुखी रहता है देख लो कई बार गरीब लोग जो बेचारे दिहाड़ी करते हैं दस पंद्रह रुपए बीस रुपए कमाते हैं और वो रोटी खा के सो जाते हैं सड़क पर सो जाते हैं और जब अमीर लोग होते हैं उनको महलों में भी नींद नहीं आती वो और सोचते हैं और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और मिल जाए। सुख शांति तुम्हारे भीतर है और कोई भी नहीं और आपको पता है मौत तो कभी भी आएगी विकार बहाना टालम टूल व्यर्थ सारी आ गया समय जाने का तो कितना ही चीखो चिल्लाओ रो अलियों कलियों की गलियों पर खेलो आज मुझे मरघट पे रास बचाना है आज मुझे जाना तुम हम मौत कभी भी आ सकती है और जितना कर्म है आपका जो बांधा है पहले जन्म में पूरा होगा वो चले जाओगे इसलिए कुछ लोग दुखी हो जाते हैं किसी को घाटा लग जाता है व्यापार में किसी को घर में परेशानी आ जाती है किसी को रोग आ जाता है किसी को कुछ और आ जाता है वो आत्महत्या करने चले जाते हैं कभी भी सोचना मत जिंदगी में आत्महत्या करने से जनम जन्म बिगड़ जाते हैं कभी भी सोचना मत कितना भी दुख आ जाए दुख आ गया तो मेरा अपना किया हुआ कर्म है कोई मुझे सुखी नहीं दे सकता कोई मुझे दुख नहीं दे सुख से दुख से न कोपी दाता परोद दादिति रेशम अहम करो मित्रि विष्ठाभिमान स्व सूत्र ग्रत तो ही लोग शंकर ने लिखा है सुख से दुख से न कभी okay. कोई आपको सुख नहीं देता कोई आपको दुख नहीं देता सुख से दुख से न परोधरात्रि को बुद्धि राशि उसने मुझे दुख दे दिया मेरे पड़ोसी ने दे दिया मेरे पिता ने दे दिया ये अज्ञानी लोग हैं अहम करो तीस मैंने सुख दिया मैंने परिवार का पालन पोषण किया देखो मैं ना होता तो परिवार कैसे चलता ये भी अभिमान है तुम्हारा स्वकृत सूत्र ग्रथित सारा संसार अपने ही सुख और दुख के लकीर में रेखा में चला जा रहा है कभी अभिमान मत करना पहले कौन थे कहाँ से आए थे कहाँ जाओगे गीता में कृष्ण ने कहा जब जन्म लिया था तो डेढ़ किलो की खूब शरीर था डेढ़ किलो करवट बदल नहीं सकते थे मक्खी मच्छर उठा नहीं सकते थे ये माँ की करुणा और माँ का प्यार और पिता का दुलार आपको चलना सिखाया आप बोलना सिखाया बढ़ना सिखाया आज आपके आ जाता है तो आप परिवार नहीं माता पिता का ध्यान नहीं करते यदि आप बेटे हैं तो माता पिता का ध्यान जरूर रखना चाहिए अंतिम समय यदि आपके पिता माँ बीमार हैं दुखी हैं उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है यदि आपने पूरी नहीं की तो समझो आपने पुत्र होने का कर्तव्य पूरा नहीं किया जिस माँ ने जिस पिता ने जिस दादा ने आपको बड़ा किया पढ़ाया लिखाया तो अंतिम समय आप उनकी इच्छा पूरी नहीं करते इसलिए हमारे यहाँ मातृदेव बाव पितृदेव बाव आचार्य देवभाव अतिथि देवभाव चार अतिथि कहे देव कहे जाते माता पिता गुरु और अतिथि आ जाए उनका ध्यान रखना तो विचार करना मौत कभी भी आ सकती है मौत आ सकती है तो घबराना क्या है और हमारे किए हम चुप नहीं सकते जो मौत आएगी तो आएगी जाएगी तो जाएगी, तो जाएगी। इसलिए अच्छे काम करो नेक काम करो जीवन में 24 घंटे कैसे बीत रहे विचार करो मन कहाँ कहाँ दिल रहा है मन कितना विचारों में उलझा हुआ है कभी सोचा विचार कैसे खाली करें मन निर्द्वंद हो जाए सब लोग यही शिकायत करते क्या करें हमारा ये? ध्यान में मन तो लगता ही नहीं भाई मन लगेगा कैसे तुमने तो मन में विचार भरे हैं बचपन से लेकर अभी तक देखो कोई व्यक्ति आया उसने विचार डाल दिया तुम कहीं गए घूमने गए तुम परिवार में रहे तुमने किसी से बात की कैसे विचार आते कैसे विचार आते जैसे आप ध्यान में बैठे आपको कुत्ते की याद आ गई कुत्ता देखते देखते आपको ख्याल आया तो मेरे पड़ोसी का कुत्ता भी था फिर पड़ोसी की याद आ गई फिर उसके घर में गए थे उन्होंने खाना खिलाया था उसके डाइनिंग टेबल की याद आ गई उससे बातचीत की थी फिर उसे सौदा के कैसे मन चक्कर लगाते कैसे मन मन को मार, इसलिए कभी मन का चिंतन नहीं करना मन जब भी कह स्टाफ मन के मालिक बनो मन के मालिक बनो बुद्धि की मालिक बनो ये मन बुद्धि और इंद्रियां ये हमें घुमाती है और आप मालिक आत्मा सबसे शक्तिशाली है आत्मा और आत्मा तुम्हारे तो अष्ट गुणों से युक्त है पूरे ब्रह्मांड में अकेली आत्मा आत्मा का कभी जन्म नहीं मरण नहीं आत्मा कहीं कहीं चली जाए नरक निगोद में भी चले जाए हमने अनंत दुख भोगे हैं नरक निगोद में जो एक श्वासोश्वास में साढ़े सत्रह बार जन्म और मरण होता है नरकों में कितने कष्ट विचार तो करो कहाँ कहाँ दुखों से जाके आए फिर आत्मा वही की वही शुद्ध की शुद्ध बुद्ध की बुद्ध रंजन की रंजन एक आत्मा के बारे में चिंतन नहीं करते बाकी दुनिया का चिंतन करते रहते आश्चर्य नहीं होता एक परिवार में आपने जन्म लिया आपका बेटा हो गया बेटे की चिंता करते हैं बेटे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं बड़ा करते हैं शादी करते हैं उसको मकान बना कर देते हैं क्या बेटा तुम्हारा है विचार तो करो बेटा तुम्हारा है बोलो बेटा है हाँ बोलो तो ना बोलो मिथ्या संसार बेटा तुम्हारा ही नहीं शरीर का बेटा है आत्मा का बेटा कैसे हो गया जीव ने, ने, ये भेद करो जड़ और जीव का भेद जड़ और जीव जीव अकेला था जीव का जब कोई जन्म मरण नहीं है तो बेटा तुम्हारा कैसे हो यहां से भूल शुरू होती है उस भूल से जिंदगी लगा देती है फिर जब बेटा बड़ा हो जाता है फिर तुम्हारी बात सुनता नहीं फिर दुख होता है मैंने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया आज मेरी बात नहीं सुनता तुम भी भ्रम में रहो बेटा भी भ्रम में डाला बेटे को जन्म रहते सिखाना था बेटे मैं बार बार कहता हूँ बेटे देख मैं तेरी माँ नहीं तेरी माँ जनमानी है तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है मैं शरीर से माँ हूँ शरीर की माँ हूँ मैं तेरी माँ नहीं हूँ ऐसे बच्चे को संस्कार दो ऐसे अपने बुलाओ जब तुम्हें पता ही नहीं फिर तुम क्यों गलत रास्ते पे जा रहे हो तुम आत्मा की मैं एक ही बात कहता हूँ आप सब से मेरी कोई इच्छा नहीं तुम आओ नाओ कहीं जाओ कहीं खेलो अपने जीवन के चौबीस घंटे में दो घंटे चार घंटे अपने लिए निकालो पाठ करो ना करो पूजा करो ना करो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाओ पर अपने लिए अपने का मतलब जड़ जीव का भेद करो ये शरीर और शरीर में आत्मा अष्ट गुणों से युक्त आत्मा जैसे तलवार और म्यान दोनों अलग अलग, अलग हैं दूध और मक्खन अलग अलग है कीचड़ में कमल अलग अलग है फूल में सुगंध अलग अलग है वो दिखाई देती है आप शरीर में आत्मा है आत्मा ना हो तो आंखें देख नहीं सकती कान सुन नहीं सकते नासिका सुगंध ले पांचों इंद्रियों के विषय जीव है आत्मा है तो आंखें देखती हैं आत्मा निकल जाए तो शरीर मुर्दा है आंखें वही आंखें डरावनी हो जाती है शक्ल कैसी बदल जाती है जैसे जीव निकलता है घर में कोई प्राणी जाता है दो घंटे के बाद देखो उसकी शक्ल कैसी हो जाती है तो शक्ति किसकी है सुंदरता किसकी है जीव की सुंदरता जीव की शक्ति जीव का ज्ञान जी में सब कुछ भरा हुआ है पर तो उसको तो हम भूल जाते हैं जैसे तो ये लाइट चल रही है पीछे से करंट ही ना आए इसकी क्या वैल्यू है पंखे की क्या वैल्यू उसकी क्या वैल्यू कुछ नहीं तो मात्र किसको महत्व देना है भाई बोलो बोलो मेरे कहने से देना है कि अपने आप देना है बोलो रमेश भाई किसको मह देना है कब दोगे अभी से कि पहले से एक आत्मा एक आत्मा सत्य वो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है अब पक्कता भी कत्ता ये दुहान ही है सुहान ही है पमित्तमा वित्तमा दो पट्टे सो पट्टियों प्रभु की वाणी कहती आत्मा सबसे बड़ा मित्र है आत्मा सबसे शत्रु भी है जब आप अपने में आ गए अपनी आत्मा अपने से प्रेम किया आत्मा ने आत्मा से प्रेम किया इससे बड़ा कोई मित्र नहीं जब आत्मा ने शरीर से प्रेम किया मन से किया बुद्धि से किया इंद्रियों से किया पुद्गल से किया संसार से लोगों से किया तो आत्मा शत्रु है यही घुमा रही है हमें संसार सागर में वही आत्मा जो तुम्हारा मित्र है वही शत्रु बन जाती क्योंकि आत्मा को तो अपने में अत तो इसलिए भगवान की वाणी कहती है केवल अपने को जानो ये एक अंग जाना इसे सब अंग जाना इसने एक आत्मा को जान लिया सब जान लिया जिसने एक आत्मा को नहीं जाना तो किसी को नहीं जाना सत्य है सभी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी चौबीस तीर्थंकर भगवान ऋषभ दे से भगवान महा अनंत तीर्थंकर हो गए एक ही वाणी एक ही उपदेश एक ही सार के तुम अपने में स्थित हो जाओ जीव का जीव में स्थित हो जाना इससे बड़ा सुख नहीं है इससे बड़ा ध्यान नहीं है इससे बड़ी साधना नहीं है इससे बड़ा कोई तप नहीं है बारह प्रकार का तप एक तरफ और जीव का जीव में स्थित हो जाना ये बारह प्रकार के तप से ऊपर तप है ये कठिन है पर असंभव नहीं है जरिए आप प्रयास करोगे बचपन से प्रयास करोगे बचपन से एक मिनट जब आप ध्यान करोगे मान लीजिए आपने बीस मिनट का ध्यान शुरू किया आधे घंटे का किया एक घंटे का किया तो बीस मिनट में आधे मिनट में एक मिनट मन लगा आप, फिर दो मिनट फिर तीन मिनट फिर चार मिनट करते करते दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट चौबीस मिनट ठहर गए अपने में तो आपको क्षायक संकित हो सकती है जो आपका भाव भ्रमण समाप्त हो सकता है क्षायक संकत का मिल जाना मिथ्यात्व टूट जाना फिर मोह रह जाता है अड़तालीस मिनट जीव अपने में स्थित रह गया तो केवल ज्ञान और मोक्ष और चौबीस मिनट रह गया तो क्षायक संकत ये तुम प्राप्त कर सकते हो भगवान की वाणी कहती इस जन्म में प्राप्त करोगे कैसे भाई चलोगे तो आगे बढ़ोगे बच्चा चले ही ना माँ बच्चे को गोदी में बिठाए रखे कि नहीं बेटे बच्चा कहे मैं बड़ा सुरक्षित हूँ माँ तेरी गोदी में तो बच्चा भी माँ भी दुश्मन है और बेटा भी माँ बच्चे को चिलाना सिखाती है माँ दूर खड़ी हो जाती है और पास में बुलाती है देख राजा बेटे आजा आजा बच्चा गिरता है घुटने में चोट लगती है पर माँ परवाह नहीं करती जी बच्चा चले ना उसके घुटने पर उसके टांगों में वजन ना आए तो बच्चा चलेगा कैसे चलना सिखाती है ऐसे ही आप शुरू में अपने बच्चों को स्वयं एक घंटा शुद्ध समय करो समायिक ही ध्यान है और ध्यान ही समायिक है अपने लिए निकालो जड़ जीव का भेद करो और उसमें जीने का प्रयास करो जैसे आप अपने में स्थित होते हो तो आपका मन लगता है पर अपना मिथ्यात्व इतना भारी हो गया इतने विचारों में परंपराओं में संस्कार में मन तो लगता है नहीं।, नहीं लगेगा मन क्योंकि तो मन को अपने मालिक बना दिया आप नौकर करोगे तो मालिक बना तो वो पीछे चलाएगा ये आपको इसलिए हमेशा याद रखना मन के पीछे बुद्धि के पीछे इंद्रियों के पीछे इस पिंड को अपना मत मानना ये पिंड जवाब देगा ये शरीर जवाब देगा निश्चित निश्चित देगा आज जवानी है कल तो बुढ़ापा आएगा रोग आएंगे भगवान की वाणी कहती है जरा जावना पी लिए वाई जावना इंद्रियताव धम्मन जब तक बुढ़ापा नहीं आता जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती जब तक आधि व्याधि नहीं आती धम्मन समा यारे तब धर्म का आचरण कर धर्म का मतलब माला करना नहीं धर्म का मतलब मंदिर जाना नहीं धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं धर्म का मतलब चिंतन मानना नहीं धर्म का मतलब है जड़ और जीव का भेद करके अपनी आत्मा को जान करके मन कान करके आत्मा में श्रद्धा प्रतीति रुचि और आत्मा का आत्मा में ठहर जाना ये धर्म है इससे ऊपर कोई धर्म नहीं ये महावीर का धर्म ये महावीर की सामायिक गौतम से भगवान ने पूछा प्रभु भगवती सूत्र के अंदर के है के समाये है के प्रभो समायिक क्या? जो समायिक आप करते हैं पचकान ले लिया अड़तालीस मिनट बैठ के ये तो आपकी व्यवहार की समायक है भगवान से पूछा गंधरगातों ने प्रभु क्या समायक है? समय का अर्थ क्या प्रभो आत्मा ही समायक है और आत्मा ही समय का अर्थ है जब आत्मा मन के पार बुद्धि के पार इंद्रियों के पार आत्मा जीव जीव में स्थित होता है वो शुद्ध समय खोती वो पूर्णिया श्रावक की समय मगध सम्राट ने खरीद नहीं सका एक समय नर के बंधन तोड़ सकती है तो आप भी ऐसी समय करने का अभ्यास करें एकदम नहीं होगा मैं मानता हूँ क्योंकि आदत नहीं है इनकी आदत नहीं है मन घुमा देगा छोड़ो ना चलो ना बाहर चलो घूम के आते हैं सब घूम ही जा रहे हैं मैं ना घूमू मन रिस्तर निकालते बुद्धि पीछे लगती है और इंद्रियां गुलाम हो जाती हैं ये मन सबसे चला खतरनाक मन है मन के मते ना चालिए मन पल पल और मन को गुलाम बनाओ इंद्रियों को गुलाम बनाओ और बुद्धि के पीछे मत लगो यू आर दियोर ओन मास्टर तुम अपने मालक हो मालक यानी आत्मा मैं अनंत शक्ति वाला हूँ आत्मा में अनंत शक्ति अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख आपने आठ गुणों का स्मरण करते रहो और पूरे विश्व में मैं अकेला बारह प्रकार की भावना भाव यदि मन आपका नहीं माना तो कि मेरा है क्या एक दिन जाना ही पड़ेगा राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार ये मन क्या पता कब मौत आ जाए कितने बदलना चाहे तो मैं तेरे पीछे नहीं अपने पीछे लगाऊंगा इसलिए बारह प्रकार की भावनाओं में इकत्व भावना अनित भावना अशुचि भावना शरीर के प्रति मोह है क्या शरीर हार्ड मास रक्त बल चिड़िया इस चमड़ी के नीचे जरा इसको काटो और नीचे देखो काट के नीचे देखो क्या है मांस, मज्जा रक्त तो कुदरत ने ऊपर चमड़ी लगा दी चमड़ी नीचे होती और आपका ऊपर होता तो क्या हाल होता फिर क्या होता जब कुदरत ने चमड़ी ऊपर लगा दी दिखाई नहीं दी तो नीचे तो हार्ड मांस रख ये शरीर है इस शरीर को इतना तो चिंतन करना विचार करना सोचना राइट डायरेक्शन में सोचना अपना विचार छोटी सी उम्र कितनी उम्र है इस पंचम काल में किसी की मान लीजिए नब्बे वर्ष की होगी पचासी वर्ष की होगी पचानवे होगी सबकी नहीं तो सत्तर पचहत्तर के बीच में लोग चले जाते चले जाते तो विचार करना चिंतन करना इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे ध्यान करें आंखें बंद मन वचन काया शांत शरीर शांत विचार शांत सृष्टि शांत वातावरण शांत हर दिशा हर किनारा शांत 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 सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए तुम मात्र 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 आत्मा हो anche mandare a Cattura le इस आकार में निराकार आत्मा शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा निर्मल आत्मा, अष्टुणों से युक्त आत्मा किसी विचार को महत्व नहीं देना मैं जीवात्मा संपन्न आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाग लाएँ प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए चित्त हमारा ईश्वर धो साधुगुण से भर जा चित्त हमारा शांत हो साधगुण सिंहारे ही सेवा करुणा प्यारे ही मनमा नस लहराए सेवा कारुणा प्यारे ही मनमानस लहरा सबका भला हो सबका मंगल हो सबका शुभ हो इसी में एक लंबा गरस वॉँस लें अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें एक और लंबा गरस वांस हरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और बंधन दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखें खोल सकते नमो हरिहंतांग नमो सिद्धानमो आयंग नमो अवचांग नम लोय सप साहुन धमो मंगलमुखी ठम अहिंसा संयमो तमो देवा वि नमंग सन्ती जसधम से नम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम <that the analyse of society> साहु मंगल केेवलिपनत् धम्म मंगल चर लोगुत्म अर्ंता लोगुत्म सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम चत्तारी लौगुत्तम चरिशर प्रवजा अरहते शरण सिद्धे सिद्धेरण प्रवज्यामी साहु शरण प्रवजा केेवली पणत्म धम्मं शरणं पवज्जामि चारे श